आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे 12th के बाद किया जाने वाला एक बहुत ही फेमस कोर्स के बारे में जो कि BBA है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि BBA कोर्स क्या है, BBA कोर्स फुल डिटेल्स इन हिंदी, BBA क्या है, BBA कौन कर सकता है, BBA कोर्स की फीस कितनी होती है और अगर आप BBA कोर्स कर लेते हो तो आपको कहाँ जॉब मिलेगी और आपकी सैलरी कितनी होगी। दोस्तों ये बहुत ही डिमांडिंग कोर्स है, आपको इस कोर्स के बारे में पूरा जानकारी होना चाहिए तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आयुष अरीना यूट्यूब चैनल। तो चलिए अब हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। जब हम अपनी 12th क्लास तक की पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हैं तो 12th के बाद हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि 12th के बाद हम कौन सी पढ़ाई आगे करना चाहेंगे, कौन सा कोर्स करना चाहेंगे, जैसे कि BA, BSc, BCom, BTech, इस तरीके के और भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। इन सभी की मैंने वीडियो बना दी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। तो दोस्तों उसी तरीके का एक कोर्स होता है BBA। BBA यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। जिन स्टूडेंट का इंटरेस्ट बिजनेस में है, मार्केटिंग फील्ड में है, ह्यूमन रिसोर्सेज के फील्ड में है, एंटरप्रेन्योरशिप के फील्ड में है, दोस्तों उनके लिए ही कोर्स बना है। अगर आप BBA का कोर्स कर लेते हो तो उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाएगा मार्केटिंग के फील्ड में, और उसके बाद अगर आप BBA के बाद MBA कर लेते हो तो आपकी लाइफ तो पूरी तरीके से सेट हो ही जानी, अगर आपने अच्छी तरीके से पढ़ाई की है, अच्छे कॉलेज से ये कोर्सेज किए हैं। जो BBA का कोर्स होता है वो 3 साल का होता है और इसे आप 12th के बाद कर सकते हैं। BBA का कोर्स अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है। अब हम जान लेते हैं कि BBA का कोर्स अगर किसी को करना हो तो कौन से स्टूडेंट कर सकते हैं, क्या सब्जेक्ट होना चाहिए, कितने मार्क्स होने चाहिए 12th क्लास में। तो देखो अगर हम सब्जेक्ट की बात करें, स्ट्रीम की बात करें, तो इससे आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है, क्योंकि अगर आपने क्लास 12th में आर्ट्स स्ट्रीम ली है, साइंस स्ट्रीम लिया है, कॉमर्स स्ट्रीम लिया है, कहने का मतलब है कि किसी भी स्ट्रीम से आपने अगर क्लास 12th पास किया है तब आप BBA का कोर्स कर सकते हो। लेकिन हाँ, उसके लिए ज़रूरी है कि क्लास 12th में आपका कम से कम 45% मार्क्स होने ही चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में इंट्रेंस एग्जाम होता है तो उसमें कम से कम आपको 45% मार्क्स चाहिए होता है। कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं जहाँ पे आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है तो हो सकता है कि आपके एरिया में इंट्रेंस ना देना पड़े, तो ये चीज़ आपको अपने एरिया में पता करनी होगी। अब बात आती है कि BBA कोर्स की फ़ीस कितनी है। तो देखो दोस्तों, जो कोर्स होता है वो डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर, यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर, लेकिन फिर भी अगर हम फीस की बात करें एक आइडिया लेने के लिए कि अप्रॉक्स फीस कितनी होगी, तो नॉर्मली जो BBA कोर्स की फ़ीस होती है 20,000 रुपये से लेके 30,000-35,000 रुपये होती है, और भी ज़्यादा हो सकते हैं अगर आपने किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया है या फिर कोई बहुत ही बड़े कॉलेज में है जहाँ फीस ज़्यादा होती है तो आपकी फ़ीस और ज़्यादा हो सकती है। लेकिन हम अगर एक नॉर्मल, एक एवरेज कॉलेज की फ़ीस की बात करें तो 20,000-30,000 रुपये आपकी फ़ीस हो सकती है 1 साल की। हो सकता है कि कुछ कॉलेज में इससे फ़ीस थोड़ी कम भी हो सकती है कि 15,000 ही हो, लेकिन मैं एक आपको एवरेज फ़ीस बता रहा हूँ। 1 साल की जो फ़ीस होगी आपकी 20,000-30,000 रुपये हो सकते हैं। अगर ये कोर्स 3 साल का होता है तो उस अकॉर्डिंग आपकी जो फीस होगी टोटल कोर्स की तीनों साल के मिला के आपकी 1,00,000 रुपये की करीब फीस हो जाएगी। अब हम जान लेते हैं कि अगर किसी स्टूडेंट ने BBA का कोर्स किया तो उसको कैसी जॉब मिलेगी, कितनी सैलरी मिलेगी। उससे पहले से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगी, कुछ पूछना है तो पूछ भी सकते हैं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि आपको सैलरी कितनी मिलेगी, कि कैसी जॉब मिलेगी। तो दोस्तों जिस तरीके से मैंने पहले ही बताया कि जो BBA का कोर्स होता है ये आपको बिजनेस रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड, ह्यूमन रिसोर्सेस रिलेटेड, ये सारी पढ़ाई इसमें कराई जाती है। तो आपका जो जॉब लगेगा इसी फील्ड में लगेगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि BBA करते हैं उसके बाद MBA का कोर्स कर लेते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा अच्छी नॉलेज हो जाती है इस फील्ड में, और उसके बाद उनकी जो जॉब लगती है वो बहुत ही अच्छी होती है, उनका पैकेज होता है वो 1,00,000 रुपये में होता है अगर आपने BBA के बाद MBA किया है तब। लेकिन अगर हम BBA की सिर्फ बात करें तब भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने किसी अच्छे कॉलेज से, अच्छे यूनिवर्सिटी से BBA का कोर्स किया है, अच्छी तरीके से पढ़ाई की है, आपको कुछ आता है, आपको नॉलेज है, तो आपको जॉब ज़रूर मिल जाएगी। अगर हम सैलरी की बात करें तो जो आपकी सैलरी होगी स्टार्टिंग सैलरी, वो आपकी समझ जाए कि
एक से दो लाख रुपए पर एनम की सैलरी होगी, एकदम स्टार्टिंग बेसिक। लेकिन दोस्तों आपको समझना चाहिए कि जो भी हमारी स्टार्टिंग सैलरी होती है वो सैलरी उतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती, क्योंकि उस टाइम हमें सीखना होता है। अगर आपको एक बार नॉलेज हो गया, अगर आपको एक बार एक्सपीरियंस अच्छी हो गई, तो उसके बाद आप बहुत बड़ी कंपनी में जा सकते हो और आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो मेरे भाइयों मेरे बहनों, ये छोटी सी वीडियो थी बीबीए कोर्स के बारे में। मैंने आपको ब्रीफ में सब कुछ समझाने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को उस टाइम लाइक नहीं किया था तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर बहुत सारी वीडियोज है जो कि आपके काम की हो सकती है, तो चैनल पर जाइए वीडियोज देखिए। पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।